ओके अब ये आखिरी वगैरह कर लेते हैं यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एज पैरामीटर। अब यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एज पैरामीटर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना? ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करेंगे, इनको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं। कह रहा है व्हेन यूज्ड एज पैरामीटर रेफरेंस वेरिएबल्स अलाउ अ फंक्शन टू एक्सेस द पैरामीटर ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, चेंजेस टू द पैरामीटर आर आल्सो मेड टू द आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा मुश्किल है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये कह रहा है कि पैरामीटर के बाय नेम एक्सेस नहीं करेंगे बल्कि बाय रेफरेंस उसको एक्सेस करना है। बाय नेम नहीं करेंगे, बाय एक्स रेफरेंस करेंगे, तो ये उसके ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करेगा और चेंजेस टू द पैरामीटर आर आल्सो मेड टू द आर्ग्यूमेंट, और पैरामीटर के अंदर जो चेंजेस होंगे वो आर्ग्यूमेंट में हो जाएंगे। चलें इसको समझते हैं क्या कह रहा है। अर्लियर यू सेड दैट द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉर्मली पास द फंक्शन बाय वैल्यू, हम आर्ग्यूमेंट जो पास करते थे बाय वैल्यू करते थे, एंड द फंक्शन कैन नॉट चेंज द सोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन जो है उसके जो सोर्स को चेंज नहीं कर पाता था आर्ग्यूमेंट के, जो वो जैसा रहता था वो वैसे ही रहता। सी प्लस प्रोवाइड ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल टाइप। अब इस काम को करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसका नाम है रेफरेंस वेरिएबल टाइप, जो ये काम करेगा, जो उसके आर्ग्यूमेंट के रेफरेंस को चेंज कर देगा, उसके ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करेगा। व्हेन यूज्ड अ फंक्शन पैरामीटर अलाउ एक्सेस टू द ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, अ रेफरेंस वेरिएबल इज़ एन एलियस फॉर एन अदर वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल एक दूसरे वेरिएबल का एलियस होता है, मतलब उसका कोई फर्जी नाम होता है। एनी चेंजेस मेड टू द रेफरेंस वेरिएबल आर एक्चुअली परफॉर्म्ड ऑन द वेरिएबल फॉर विच इज़ इट्स एन एलियस, तो जो भी रेफरेंस वेरिएबल में चेंज करेंगे वो उसको डायरेक्टली चेंज कर देगा, जो कि उसका नाम होता है उसमें वो चेंज हो रही होती है। बाई यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल एज पैरामीटर फंक्शन में चेंज अ वेरिएबल डेट इज़ डिफाइंड इन अदर फंक्शन, रेफरेंस वेरिएबल आर डिफाइंड लाइक रेगुलर वेरिएबल, ओके एक्सेप्ट यू प्लेस एंड एम परसेंट साइन। रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक आमतौर पर ही डिक्लेयर होते हैं जैसे वेरिएबल उसके लिए होते हैं, लेकिन इसमें ये वाला निशान लाजमी इस्तेमाल होता है इन फ्रंट ऑफ द नेम, नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन मैक्स पैरामीटर ref var as a reference variable। अब देखिए इसने reference variable कैसे declare करना है, void double name, ये हमारे function का नाम हो गया, और integer करके ये reference variable declare कर दिया and ref var। अब होगा क्या, ये and ref var क्या होगा, और अगर मैं ref var रखता क्या होता, देखिए ये दो मामला थे, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड रेफ वार लिखने में एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ, यानी कि उसने जहां पर ये रेफ वार वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा उसके एड्रेस को एक्सेस करेगा, और रेफ वार अगर हम लिखेंगे तो उस जगह पे जहां ये क्रिएट हुआ उसको एक्सेस करेगा। अब ये थोड़ा सा मिसाल को आपको समझना मुश्किल तो लग रहा होगा, लेकिन इसको समझें कैसे, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। तो यहाँ पर हम एम एस पेंट लिख लेते हैं और एम एस पेंट में जाके एक घर बनाते हैं, ये एक घर है, ठीक है, दिस इज़ हाउस, और इसमें मैं रहता हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। अब मैन, ये जो मैन है, इस मैन का नाम है राशिद, ठीक है, और ये जो हाउस है, इस हाउस का एड्रेस है, हाउस नंबर है 22, ठीक है, जिसमें कौन रहता है, जिसमें रहता है राशिद, ठीक है। तो ये बात आपने समझनी है, हाउस नंबर 22। अब जब समझें कि जब आप ये वेरिएबल नॉर्मल यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि ये जो आप डायरेक्ट लिखेंगे विदाउट एंड साइन लिखेंगे, तो आप एक्सेस करेंगे राशिद को, ठीक है, क्योंकि राशिद कहीं पे बना हुआ है। और अगर आप एंड रेफ लिखेंगे तो आप एक्सेस करेंगे इस घर को जिसमें राशिद रहता है, यानी कि राशिद का सोर्स जहाँ पे ये मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये फ़र्क है बाय रेफरेंस और बाय नेम में। बाय नेम में आप उस एक्स एरिया कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जहाँ वो मेमोरी में क्रिएट हुआ है, और बाय रेफरेंस में आप एक्सेस कर रहे होते हैं मेमोरी के एड्रेस को जहाँ वो वेरिएबल मौजूद है। तो यही इसके अंदर डिफरेंस है। तो रेफ वार मल्टी हिस्टोरिक इक्वल टू टू अगर आप लिखते हैं इसके अंदर, द वेरिएबल रेफ वार इज कॉल्ड रेफरेंस टू एन इंटीजर। तो कह रहा है वेरिएबल रेफ वार एक रेफरेंस इंटीजर वेरिएबल है। द फंक्शन डबल रेफ वार बाय मल्टीप्लाइंग इट्स बाय टू, और वो इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय टू कर देगा। सिंस रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल द एक्शन इज एक्चुअली परफॉर्म ऑन द वेरिएबल डेट वॉज पास्ड ऑन द फंक्शन एज ऑन द आर्ग्यूमेंट व्हेन प्रोटोटाइपिंग अ फंक्शन विद इन अ रेफरेंस वेरिएबल बी श्योर to include the ampersand after the data type, here is the prototyping for the double
नेम फंक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एम परसेंट लगा दें, और अगर आप नाम भी नहीं लिख रहे तब भी ये पूरे मेमोरी के एक्सेस को, उस एड्रेस को एक्सेस कर लेगा जहाँ पर भी इसको लोकेशन पे ये वाला क्रिएट करना होगा। सम प्रोग्रामर्स प्रीफर नॉट टू पुट अ स्पेस बिटवीन द डेटा टाइप एंड द एम परसेंट साइन। सम प्रोग्रामर इनके दरमियान में स्पेस देना भी पसंद नहीं करते। द फॉलोइंग प्रोटोटाइप इज इक्वल टू द वन अबव। यानी कि अगर आप इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो भी ये सेमी कंसिडर किया जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और उसके नीचे देखें, द एम परसेंट मस्ट अपियर इन द बोथ द प्रोटोटाइप एंड द हेडर ऑफ द फंक्शन। डिड यूज़ अ रेफरेंस वेरिएबल एज अ पैरामीटर, इट डज नॉट अपियर इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हेडर में और प्रोटोटाइपिंग में इसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है, यह फंक्शन की इसने प्रोटोटाइपिंग की है और यहाँ एम्परसेंड से लगा दिया है। इसका मतलब ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को बाय रेफरेंस एक्सेस करना चाह रहा है, और अंदर फंक्शन के अंदर जब इसने इस फंक्शन को कॉल किया तो वहाँ पे इसने इस वैल्यू वाले वेरिएबल को पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट जाएगा इस वाले रेफरेंस पर, और इस रेफरेंस पर जाके ये स्टोर हो जाएगा, और जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो फंक्शन कॉल होके यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर भी ये एंड करके इसने एक वेरिएबल रेफरेंस डिक्लेयर किया है। तो अगर यहाँ पर देखें, हेडर में अगर इसने नाम लिखा है तो भी ठीक है, और प्रोटोटाइपिंग में नाम नहीं लिखा तो भी ठीक है, वो मेमोरी के एड्रेस पर जाएगा। और इसका मतलब ये भी, मतलब यही कि इसी एड्रेस पर जाना है जहाँ पे ये वेरिएबल सेव है, और वो वैल्यू उसके अंदर आएगी, और ये इसके एड्रेस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और उसको आंसर दे देगा। और यहाँ पर इसका आउटपुट जो है क्या आना चाहिए, पहले इसने डबल नम करके नाउ कॉलिंग द डबल नम एंड लाइन पे कर दिया, वैल्यू इसकी 4 थी। अब जब इसके यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे शो कर देगा, 4 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 टाइम्स तो आंसर 8 आ जाएगा। तो ये इसने आपको समझाया है कि अभी जो पहले वाले प्रोग्राम में बाय वैल्यू आर्ग्यूमेंट को एक्सेस कर रहे थे, तो बाय रेफरेंस भी आर्ग्यूमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। यही इस टॉपिक का नाम है, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एज अ पैरामीटर। अब ये क्या, क्यों करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें करने की ज़रूरत यूँ है कि हम सपोज़ करते हैं प्रोग्रामर इस बात को कि हम बार बार वेरिएबल को बाय नेम एक्सेस करते हैं, आर्ग्यूमेंट को बाय नेम एक्सेस करते हैं, तो मेमोरी में प्रोग्राम को थोड़ा टाइम लगता है उसको सर्च करने में। यानी कि पहले वो मेमोरी में जाता है, मेमोरी से पूछता है इस टाइप का नाम का वेरिएबल तुमने कहाँ बनाया है, फिर वो नाम को ढूंढता है, फिर वैल्यू लेके आता है। तो वो कहते हैं कि डायरेक्ट कोर एड्रेस ऑफ मेमोरी के एरिया को ही सर्च कर लिया जाए, तो इसलिए बाय रेफरेंस को यूज़ कर लेते हैं, जिससे थोड़ा प्रोग्राम प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है और डेटा मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस होने लग जाता है। यही इसका की पॉइंट है और यही इसकी रीज़न है, लॉजिक है। मज़ीद आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, और बल्कि मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि कल आप